Hi guys, welcome to Be For You. I'm Vishi Jha and I hope you all doing good. So yeah, hi guys wala, it's a tradition on the channel. I'm using it from the beginning, so please bear it with me. आज का वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी. लाइक फ्रॉम वीक से मैं सोच रही थी कि वीकेंड आएगा तो मैं ये वीडियो बनाऊंगी. लाइक काफ़ी टाइम से सोच रही थी एक्चुअली. तो सैटरडे ऐसे ही निकल गया, फिर संडे में जो मॉर्निंग बनाऊंगी, संडे भी ऐसे ही निकल गया. तो टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता. तो ओके, तो मैं भी बैठी हूँ और आप देख सकते हैं कि पूरा मंथ मेरा चल रहा है एक ड्रेस हॉल के ऊपर. और मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई, इफ यू हैव सीन ऑन माय चैनल, इट वाज फ्रॉम माय मिंत्रा रीसेंट परचेज ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स फ्रॉम मिंत्रा. सो डू चेक इट आउट इफ यू हैवेंट. एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट अगैन ड्रेस हॉल वीडियो फ्रॉम माय रीसेंट. सो मैं पॉन्डिचेरी गई थी, मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ खरीदा है एंड आई एंडेड अप स्पेंडिंग अ लॉट. सो या विच आई रिग्रेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो या ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप इसी जगहों पे जाते हो तो व्हाट ऑल टू अवॉइड एंड हाउ टू बार्गेन एंड व्हाट आर द फैब्रिक और व्हाट इज़ द ड्यूरेबिलिटी, सब चीज़ मैं बताऊंगी. तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. ओके, टू बिगिन विद, दिस इज़ माई फर्स्ट बाय. आप देख सकते हो अ स्कर्ट, बेसिकली इट्स अ लॉन्ग स्कर्ट एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइज. लाइक इसका फैब्रिक इज लाइक आई थिंक इट्स अ कॉटन मिक्स एंड बहुत ही सुंदर है. एंड मुझे एक ऐसा लॉन्ग स्कर्ट चाहिए था विच आई कैन जस्ट वेयर एंड गो इट आउट नीचे फटाफट कहीं ज़्यादा है तो. एंड काफ़ी हिप्पी सा लुक दे रहा है. इसके ऊपर मैंने एक टॉप भी लिया जो आपको दिखाऊंगी. तो इसका फैब्रिक मैं बोल सकती हूँ कि ये कॉटन लाइनन में आपको ज़्यादा मिलेगा ऐसी जगहों पर. लाइनन क्लॉथ बहुत ही पतला सा होता है, लाइक थ्रेड वाला. उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है एज लॉन्ग एज यू वॉश इट प्रॉपरली एंड आप उसको अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तो इट विल लॉन्ग फॉर लास्ट. तो यस, तो ये मेरा फर्स्ट परचेज था एंड ये मुझे पड़ा था आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग इज 350. बढ़ते हैं दूसरे कपड़े की तरफ जो है ये. अगेन आप देख सकते हैं प्रिंट बहुत अलग होते हैं ना वहाँ के. सो यस, सो दिस इज़ अ लॉन्ग टॉप. मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ तो इट्स अ लॉन्ग टॉप एंड इट्स अगेन अ कॉटन. बहुत ही आरामदायक कपड़ा जो बोलते हैं, अगर आपको समर में कुछ पहनना है तो इस टाइप का आप ढूंढते हो, मरते हो बिकॉज इतनी गर्मी होती है. यू डोंट वांट टू लाइक गो विद ऑल पॉलिएस्टर जॉर्जेट एंड ऑल दोस कपड़ा. तो ओनली कॉटन वुड बी प्रेफरेबली गुड फॉर योर स्किन, इट्स ब्रीदेबल. तो या ये एक टॉप है जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है ना. अगर इसका प्राइस आप सुनोगे तो यू विल बी शॉक्ड बिकॉज मुझे भी नहीं पता था. ये मेरा कोई मूड नहीं था लेने का, बट जब मैं अंदर गई तो उन्होंने जब बताया कि इसका प्राइस कम है, मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए भी शॉपिंग हो जाती है क्योंकि प्राइस आपको ठीक ठाक लगता है. तो या दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न टू बाय दिस. तो द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉन्ग टॉप इज़ जस्ट 150. सो या अगर आप पॉन्डिचेरी जाते हो इस टाइप का टॉप 150 to 200 से ज़्यादा मत देना एंड इट्स टोटली वर्थ इट. लाइक 150 में आपको ऐसा टॉप मिल रहा है, लाइक अमेजिंग. एंड मैं कसौल भी गई थी, हिमाचल भी गई थी, तो वहाँ पे भी इस टाइप के कपड़े बहुत मिलते हैं, लाइक रंगीन एंड डिफरेंट प्रिंट. और ये कहाँ से आते हैं वो भी मैं बताऊँगी एंड में. तो उन्होंने जो मुझे बताया बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, आई डिड अ लिटिल बिट रिसर्च एज वेल. ओके, मूविंग ऑन, दिस इज माई थर्ड बाय, अ क्यूट शॉर्ट्स. तो ये बहुत ही प्यारा एंड ऐसा मैं ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से. मुझे ऑनलाइन में तो जल्दी नहीं दिख रहा था, जो दिख भी रहा था वो ऐसा अच्छा मटेरियल नहीं था, वो काफ़ी थिक मटेरियल था. मुझे बहुत ही ऐसा क्रेप पतला, लाइक क्रेप है या पॉलिएस्टर आई डोंट नो, बट बहुत ही मुझे ऐसा चाहिए था पतला सा जो कि बॉडी के साथ जस्ट ऐसा यू नो जस्ट बॉडी के साथ फ्लो. क्या बोल रही हूँ मैं. मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट में उठाया है, ध्यान से देखिए इस प्रिंट को ध्यान से. दिस प्रिंट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स वेरी हिप्पी आई मस्ट से. एंड इसके पीछे रबर है भी, टैंक टॉप एंड अ लॉन्ग श्रग और अ लूज टॉप, एनी थिंग वुड गो वेल विद दिस. तो ये मैंने वही पर्पज़ के लिए लिया है, घर में पहनने के लिए और यहाँ वहाँ मे भी कभी. तो इसका प्राइस
याद नहीं आ रहा, फोन देखना पड़ेगा. मैंने सबका प्राइस नोट डाउन करके रखा है. ये मुझे मिला था जस्ट 350 पे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज माई फोर्थ बाय एंड दिस इज दिस रेड कलर, वेरी ब्यूटिफुल. अगेन द प्रिंट इज जस्ट अमेजिंग, लाइक सी इट्स सच अ चेरी रेड एंड आई एम टोटली लविंग इट. ये बहुत ही खूबसूरत है. अगेन दिस इज अ कॉटन लाइनिंग एंड इसका नेक इज सो ब्यूटिफुल. लाइक द रीजन टू बाय दिस टॉप इज अ नेक, मतलब इसका वी नेक बहुत ही खूबसूरत है. एंड ऑल्सो दिस हैंड इज सच अ फ्री, मतलब बहुत ही हिप्पी लुक अगर आप बोलते हो तो वो आता है इसको पहनने के. जीन्स हाई वेस्ट के साथ आप पेयर कर सकते हो या मे बी ब्लैक शॉर्ट्स वुड ऑल्सो गो वेल. बहुत ही खूबसूरत है, इसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं. द प्राइज ऑफ दिस टॉप इज जस्ट 250. यस, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सरोजनी नगर के मार्केट से बार्गेन कर रही हूँ, बट वहाँ ज़्यादा बार्गेन नहीं चलता है. बट प्राइसेस आर लाइक ठीक है, ठीक ठाक चल जाएगा. मैंने कोई भी ज़्यादा महंगा सामान नहीं लिया है. मैं आई हैव नॉट गॉन बियॉन्ड 500 बिकॉज आई नो माई रेंज. मैं अगर ऐसी जगह पर जा रही हूँ विच इज़ विदाउट ब्रांड्स, आई एम नॉट गोना स्पेंड मोर. तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बार्गेन करके उनको थोड़ा ऐसे प्राइस में लेकर आओ. नहीं लगा ठीक तो चलते बनो. या नाउ दिस इज माय फिफ्थ बाय, अ क्यूट टॉप. ये मैंने स्कर्ट पे पेयर अप करने के लिए लिया और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्कर्ट के साथ ही पेयर अप करके दिखाया है. बहुत ही खूबसूरत है. चेक दिस आउट राइट, बहुत ही क्योंकि मोटा है, सी थ्रू भी नहीं है. द बेस्ट पार्ट इज देर इज़ नो सी थ्रू एंड टोटली वर्थ इट. लविंग दिस टॉप. द फैब्रिक इज जस्ट ऑसम. इवन दिस आई गॉट जस्ट 350 रुपीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिक्स्थ टॉप इज दिस लॉन्ग टॉप. या इसमें एक अलग सा ओम प्रिंट है जो कि ऐसी जगहों पर मिलता है. लूज टॉप बट अगेन अ वेरी लाइक ब्यूटिफुल एंड ब्रीदेबल फॉर समर्स. टोटली लविंग. ऐसे टाइप का एक लेना था मुझे जस्ट घर में पहनने के लिए ऐसे, तो ये मैंने ऐसे ही उठा लिया क्योंकि इसका भी प्राइस मुझे कम लगा. एंड आई लव दिस फैब्रिक. बहुत ही सॉफ्ट है, ईजी गोइंग है. यू विल लव दिस. तो दिस इज यू कैन पेयर इट अप विद आई थिंक जीन्स मे बी, और मे बी आप स्कार्फ पहनोगे थोड़े ज़्यादा साधु टाइप के लोग. आई थिंक जीन्स, टाइट जीन्स. एंड लेट मी नो लाइक हाउ गर्ल्स, हाउ वुड यू लाइक टू पेयर दिस अप. इसे लड़कों में भी आता है. दिस इज एक्चुअली यूनिसेक्स, कोई भी पहन सकते हैं. जस्ट 150. तो या दो मैंने 150 के उठाए, एक जो मैंने आपको रेड दिखाया था और एक ये. तो दैट्स वाई ज़्यादा स्पेंड करती चली गई मैं, बिकॉज प्राइस मुझे अट्रैक्ट कर गया. ओके सो लेट्स गेट बैक टू द लास्ट परचेज फ्रॉम पॉन्डी. इज दिस कफ्तान, मतलब ये आपको ऐसा झोला टाइप का लग रहा होगा बट पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आता है ये. एंड ये रहा आपका एडजस्ट करने वाला, यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हो फ्रॉम वेस्ट. एंड जो कि आपको बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड, नॉट स्ट्रक्चर बट बहुत ही या फ्रॉम हियर हैव अ गुड बॉडी शेप फील व्हेन यू वेयर इट. तो ये अच्छा है, बहुत ही सुंदर है. ये क्रेप मटेरियल है, ऐसा कॉटन में भी था बट आप कॉटन में अवॉइड ही करना उठाना बिकॉज उसमें सी थ्रू बहुत ज़्यादा था एंड आप उसको ऐसे नहीं पहन पाओगे बाहर, आपको कुछ एक और लेयरिंग करनी पड़ेगी. तो टू अवॉइड ऑल दिस, दिस क्रेप इज़ टोटली वर्थ इट बिकॉज इसमें सी थ्रू नहीं है एंड यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा लेयरिंग. बहुत ही ईजी टू वेयर है, कभी भी पहनो और निकल लो टाइप है. कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें. बहुत ही मुझे ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें आपको इतना सारा मेहनत नहीं करना होता है. लाइक यू नो आई होप ऑल द गर्ल्स नो ऑल दिस. तो इसी वजह से ये बहुत ही ईजी गोइंग एंड मेरा फेवरेट बाय है कफ्तान. लाइक अमंग ऑल दिस इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट क्रेप मटेरियल. तो वहाँ पे हमने बहुत सारे देखे थे बट वी एंडेड अप बाइंग दिस. दिस काफ्तान थोड़ा इन सब से ज़्यादा है बिकॉज इट्स अगेन इट्स अ काफ्तान, इट्स गोइंग इन ट्रेंड. दैट गाय वॉज नॉट स्टूपिंग डाउन इज प्राइस एंड हमें ये लेना पड़ गया था आई थिंक 450 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस दिस वॉज फ्रॉम 450 एंड मुझे तो वर्थ इट लगा बिकॉज इफ वेन आई चेक लेटर ऑन मिंत्रा काफ्तान प्राइस इट्स लाइक
very high. So I don't know why. बहुत high रहता है काफ्तान का price and ये नी तक आता है and बहुत ही खूबसूरत look देता है आपको. तो yes, ये सारे collection जो मैंने दिखाए हैं मेरे पास था नहीं and it's like a must have in the wardrobe after buying, I feel so. तो या अगर आप जा रहे हो इस जगह पे तो make sure to bargain the price well, check out the material and किस पे क्या जाना चाहिए वो सोच के लेना. अगर ऐसी उठा लिया तो बाद में कई बार ऐसा होता है कि पड़े रहते हैं, आप पहनते नहीं हो. तो मेक अप योर माइंड कि आप कब क्या पहनने वाले हो, किसके साथ पेयर करने वाले हो, कैसे स्टाइल करोगे इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. या ओके, मूविंग ऑन इज दिस नेक्स्ट व्हाट इज कमिंग अप इज अ वेरी वेरी लूज प्रिंट कॉटन श्रग जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी एंड ऑनलाइन में काफ़ी महंगा दिख रहा था मिंत्रा वगैरह पे, बट वहाँ पे मुझे ठीक ठाक प्राइस में मिल गया. इट्स कॉटन अगेन विद लाइनन एंड बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये. मैंने इसको रिसेंटली ट्राई भी किया है एक पे एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, तो बहुत लोगों ने पूछा भी. तो या मैं टोटली रिकमेंड करूँगी इस टाइप के श्रग अगर आप चाहते हो. अगर आपको दिखता है तो ले लो, मिलेगा नहीं एंड ऐसे पीसेस ख़त्म हो रहे थे तो उसने ज़्यादा कुछ कम नहीं किया. इस 400 तो ये कहाँ से आता है गाइस, ऐसे कपड़े कहाँ से आते हैं. तो ऐसे जैसे हमने बहुत सारे दुकान में गए पूछा तो बहुत लोगों ने बताया है कि ये नेपाल से बन के आता है, तो कुछ लोगों ने बोला ये हिमाचल राजस्थान से बन के आता है. तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल, हर जगह से ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे मैन्युफैक्चर होते होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक्सपोर्ट होता है, लाइक क्योंकि इतनी ईजिली नहीं मिलता है आपको बाकी सारी जगहों पर सिटी साइड में. आपको मैंने कितने कलेक्शन दिखा दिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट, आई एम मिसिंग ऑल द काउंट. तो ये थी मेरी रिसेंट परचेज एंड अब आ चुका है वीडियो का लास्ट पार्ट. मुझे वीडियो यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा एंड दैट्स इट. बहुत लंबा खिंच चुका है बट आई होप यू फाइंड इट गुड. इफ़ यू डू थम्स अप तो ज़रूर बनता है, जो मैं बोलती नहीं हूँ ऑफन, बट ठीक है इतना मेहनत किया है मैंने ये बनाने में, इतने कपड़े चेंज, थम्स अप तो बनता है. ओके, आई विल बी कमिंग अप सून अगैन ऑन मिंत्रा. परचेज के भी बहुत सारे ऑफर चल रहे तो मैंने फिर से ऑर्डर में डाला है. वंस आई रिसीव ऑल द प्रोडक्ट्स आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन मिंत्रा ड्रेस हॉल अगैन. तो ये पूरा मंथ ड्रेस हॉल पे है. तो यू ऑल बी सेफ एट योर होम एंड वेयर एवर यू आर एंड डू गुड, बी काइंड, इट्स टू मच, आई विल सी यू, बाय.